हाय बच्चों, वी आर विद कृष्णा। तो मुझे बता कि जब तूने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की 11th के अंदर, राइट, तो तू कितना कॉन्फिडेंट था कि तू आईआईटी क्लियर कर सकता है? सर ऐसे तो बहुत कॉन्फिडेंट था, लाइक 10th तक तो जितने भी जेई की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं अपने स्कूल के टॉपर ही होते हैं। ओके, तो उस समय तो बहुत कॉन्फिडेंस था कि हो जाएगा। उसके बाद मॉक टेस्ट में नंबर भी अच्छा है पहले में। तो तेरे डाउन मोमेंट्स क्या थे जहां पे तू बहुत परेशान हुआ, एंग्शियस भी था? सर मेनली वही से जब बैकलॉग्स बन जाते, इतने बन जाते कि मतलब कि स्टार्ट तो किया था आईआईटी बॉम्बे जाऊंगा, अभी लग रहा है कि आईआईटी भी मिलेगी कि नहीं। बैकलॉग्स जब बन जाते हैं ना तो स्टूडेंट को स्टेप डाउट हो जाता है, लेकिन वही है कि उन्हें पूरा करना एंड वापस से ट्रैक पे आना, और जल्द से जल्द वो भी, ये भी नहीं कि वेट करते रहो एक महीना और दो महीना और। बस वो वही था कि उस डाउन लोकल मिनिमा को लोकल मिनिमा ही बनाया मैंने, उसको ग्लोबल मिनिमा नहीं बनाया। ग्लोबल मिनिमा, वेरी गुड, वेरी नाइसली पुट। बच्चों तो यार घर पे रह के पढ़ाई की तो पेरेंट्स भी आसपास थे, तो मुझे पता पेरेंट्स का क्या रोल था तेरी प्रिपरेशन में? सर पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल था, एंड ये मतलब कि मेरे पेरेंट्स, मतलब ये 2 साल सिर्फ मेरी लड़ाई नहीं थी, मेरे पेरेंट्स ने साथ में मिल के किया है सब चीज़। मतलब मेहमान आते, मेहमानों को बोलते थे कमरे में मत जाना, कमरा बंद है, मतलब पेरेंट्स ने भी फुल सपोर्ट किया है। ठीक है, एकलव्य का मॉड्यूल क्या? यस। कैसा था एकलव्य के मॉड्यूल को करने का एक्सपीरियंस, बता बच्चों को। एकलव्य के मॉड्यूल तो शब्द स्टार्ट के शब्द है कि उस समय मैं मेंस दे के आ रहा था, तो उस समय मुझे क्वेश्चंस को बहुत जल्दी जल्दी करने की आदत हो चुकी थी, लेकिन जब मॉड्यूल स्टार्टिंग में शुरू किया तो उसमें एडवांस के क्वेश्चंस, मतलब उसमें पूरी एडवांस की प्रिपरेशन ही स्टार्ट हो जाती है एकलव्य के मॉड्यूल सारे। एंड टेंथ पता चला कि मैंने उससे एडवांस के सारे कॉन्सेप्ट जितने मैंने पढ़े थे एक एक करके रिवाइज होते गए, जैसे कि हर फिजिक्स में केमिस्ट्री में जितने एडवांस के कॉन्सेप्ट वो रिवाइज होते गए, एंड देन क्वेश्चंस का लेवल भी बढ़ता गया एज वी प्रोसीडेड, एंड उससे मतलब कि हार्ड क्वेश्चंस भी हो गए। तो वही जैसे पीयर ग्रुप अच्छा नहीं होगा ना, अगर आप टॉप पे आ रहे होगे किसी बेकार से पीयर ग्रुप में तो उसका मतलब नहीं है। तो पीयर ग्रुप इतना कॉम्पिटिटिव था तो उसी कारण मतलब करने का मन भी करता था। आईआईटी तो एक मोटिवेशन रहती है, पर पीयर ग्रुप आपसे अच्छा करता जाता हर दूसरे टेस्ट में, तो पता चल जाता कि हाँ नीचे तो जा रहे हो। चल एक फाइनल एडवाइस बच्चों के लिए जो कि प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं जेई की, या फिर जेई की प्रिपरेशन में एक साल दे चुके हैं और शायद कई बच्चे हिम्मत भी हार चुके हैं। तो मेरा सजेशन यही है कि ऐसा किसी का नहीं होता, रैंक वन की भी ऐसा नहीं हुआ होगा कि सिर्फ अप रहा होगा, उस पर डाउन तो आया ही नहीं होगा। सबके आते हैं कि लगने लगता है कि ये आप थोड़ा सा नीचे आ गए हैं, बट उसको ऐसे छोड़ नहीं देना है, एंड याद करना है कि किस लिए स्टार्ट किया था, किस आईआईटी को दिमाग में रख के किया था, या फिर अपने पेरेंट्स को ड्रीम को करने के लिए, या फिर अपने ड्रीम को करने के लिए किया था। वो रीज़न को एक बार जरूर याद कर लेना कि व्हाई यू स्टार्टेड, और उसको मोटिवेशन में लेकर स्टार्ट कर देना एंड चलते जाना।